हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले Redmi Note 11 Pro Max के बारे में, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट ईयर जो वो स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन Redmi Note 11 Pro Max को लेकर बाहर आ रही है। और अभी तो यहाँ पे ग्लोबली Redmi Note 11 सीरीज की लॉन्च डेट भी कंफर्म हो चुकी है। 26 जनवरी को Redmi Note 11 सीरीज जो है वो ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होने वाला है, लेकिन इंडिया वाला जो वेरिएंट होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो ग्लोबली वाले वेरिएंट से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। आज हम बात करने वाले Redmi Note 11 Pro Max के इंडियन डिटेल्स के बारे में। लेकिन एक चीज़ ग्लोबली वेरिएंट से हमें पता चला है कि 26 जनवरी को वहाँ पे वो लॉन्च हो रहा है, उसके एक मंथ के बाद मतलब नेक्स्ट मंथ फरवरी के मंथ हमें इंडिया पे भी Redmi Note 11 सीरीज देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्लोबली के वन मंथ लॉन्चेस के बाद हमें इंडिया पे भी देखने को मिल जाते हैं। तो देखते हैं किस डेट के साथ देखने को मिलेगा, लेकिन अब फरवरी मंथ के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट से आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम लोग Redmi Note 11 Pro Max के इंडियन डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डिस्प्ले से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लुक डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। लेकिन इस बार भी बिल्ड क्वालिटी जो होगा वो बेटर होगा, इवॉल्व डिजाइनिंग होगी, तो हाँ लुक एंड डिज़ाइन भी परफेक्ट रहने वाला है। तो डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंचेस की ही बड़ी डिस्प्ले होगी, जहाँ पे फुल HD प्लस के साथ सुपर एमोलेड का सपोर्ट दिया जाएगा। 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट होगी एंड 360 हर्ट्ज तक की टच सैम्पलिंग रेट, इवन 1300 निट्स तक की पिक ब्राइटनेस भी हमें देखने को मिल सकती है। तो हाँ डिस्प्ले इस बार भी बेटर रहने वाला है, और डिस्प्ले हमेशा ही Redmi Note सीरीज का बेटर होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसकी कैमराज की, तो रियर पे ट्रिपल कैमरे का सेटअप होगा, 108 मेगापिक्सल की प्राइमरी शूटर होगी, जहाँ पे सैमसंग की HM2 सेंसर को ही यूज किया जाएगा, 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 2 मेगापिक्सल की डेप्थ सेंसर। यहीं पे फ्रंट पे सेंटर पंच होल कटआउट के साथ 16 मेगापिक्सल की सेल्फी का सपोर्ट दिया जाएगा। तो ओवरऑल कैमराज यहाँ पे डिसेंट रहने वाले, और हल्का फुल्का Xiaomi 11i सीरीज की तरह हमें कैमरा क्लियरिटी मिलने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी सारे फीचर Xiaomi 11i सीरीज की तरह देखने को मिलेगा। हाँ कुछ बहुत फीचर्स डिफरेंट होंगे। बाकी यहाँ पे गाइज हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें, तो बताया जा रहा है कि प्रो प्लस वाला जो वेरिएंट होगा, यहाँ पे क्वालकम स्नैपड्रैगन 768G या 750G हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि डायमेंसिटी 920 थोड़ा सा हायर सेगमेंट के अंदर चला जाता है और ऑलरेडी Xiaomi 11i सीरीज के अंदर हमें देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पे क्वालकम स्नैपड्रैगन 750G या 768G हमें देखने को मिलेगा। तो हाँ परफॉर्मेंस को लेकर भी यहाँ पे कोई भी डॉट मत रखना। इसके अलावा हम लोग बात करें बैटरी एंड चार्जिंग स्पीड की, तो 5000 से अब बैटरी इमेज का सपोर्ट दिया जाएगा, और इसे चार्ज करने के लिए 67 वाट तक की चार्जिंग का सपोर्ट मिल सकता है। 120 वाट तो नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे हमें 67 वाट तक की चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। इसके अलावा डुअल स्टीरियो स्पीकर, 3.5mm जैक, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, आयर ब्लास्टर और 5G स्मार्टफोन होगा। तो यहाँ पे हमें 8 प्लस से अबव 5G बैंड्स का सपोर्ट दिए जाएंगे। तो ये कुछ फीचर्स हम डेफिनेटली लेकर चल सकते हैं कि Redmi Note 11 Pro Max के साथ दिए जाएंगे। अब एंड टू एंड गाइज अगर हम लोग प्राइसिंग की बात करें कि किस प्राइस पॉइंट पे ये इंडिया पे आ सकता है, तो आपको पता होगा कि Redmi की नोट सीरीज हमेशा बजट सेगमेंट के अंदर आती है, मतलब 25 से नीचे ही रहती है इसकी प्राइसिंग। तो इस बार भी वही सेम होगा, 25,000 के नीचे ही Redmi Note 11 Pro Max की प्राइसिंग हमें इंडिया पे देखने को मिलेगी। फिलहाल आप सभी का क्या ओपिनियन रहता है, आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये था यहाँ पे Redmi Note 11 Pro Max को लेकर कुछ डिटेल्स। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते हैं हम लोग किसी अगले फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।